गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने एक आयरन का कढ़ाई लिया है। सो उसको मैंने कैसे साफ़ किया वो दिखाती हूँ। इसमें पूरा रस्ट लग चुका है। सो मैंने गैस ऑन किया, 80% तक मैंने पानी उसमें भर दिया। फिर हम लोग उसमें एक नींबू उसमें डाल देंगे। मेरे पास ये नींबू था वो सूखा हुआ, उसमें मैंने डाल दिया। फिर हम लोग इसमें 2 चम्मच सॉल्ट डालेंगे। फिर इसमें मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है, तो आप कोई भी बेकिंग पाउडर या ले सकते हैं। फिर उसमें हम लोग 1/2 चम्मच डाल दिया है। फिर उसमें हम लोग ये बर्तन लिक्विड जो है आता है उसको हम लोग डालेंगे। इसमें से मैंने करीब 1/2 चम्मच से ऊपर डाला है। सो अभी उसको हम लोग उबाल आने के लिए छोड़ेंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा अच्छी तरह से हम लोग गैस को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए मेरा बॉयल आ चुका है। सो अभी मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ। फिर उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम लोग इसमें ये जो आधा नींबू था उसको हम लोग इसमें ग्रेस कर लेंगे। फिर एक स्क्रॉच ब्राइट लिया है मैंने। फिर उसको अच्छी तरह से घिस, हल्का हल्का हाथ से भी हम लोग घिस सकते हैं। थोड़ी देर पर उसको रखना पड़ेगा, आपको 1/2 घंटे के लिए उसको रखना पड़ेगा ऐसे ही। फिर देखिए मेरा रेडी हो गया है कढ़ाई। सो देखिए कितना साफ़ हो चुका है। अभी हम लोग इसको पोंछ लेंगे। ये लोहे का कढ़ाई है। सो इसको हम लोग स्टोर करने के लिए हमको ऑयल लगाना पड़ेगा। मैं पिछली बार ऑयल नहीं लगा के इसे रख दिया था। हम लोग इसमें ऑयल प्रेस करेंगे। सो मैंने इधर मैंने पीनट का ऑयल लिया है। पीनट का ऑयल डाल के उसको हाथ में फैला दिया है। फिर उसके बाद मैंने इसको टिश्यू पेपर पे अच्छी तरह से इवेंचुअली पोंछ लिया। सो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लेगा। सो अभी देखिए ये मैंने पूरा साफ़ कर चुका है। अभी जो कढ़ाई जो है हमारा रेडी हो चुका है। इस पर वो जो एक्स्ट्रा आपको जो गंदगी सब लगा हुआ था, रस्ट लगा हुआ था, वो भी वो टिश्यू पेपर में आपका निकल जाएगा। सो आपको इसी तरह अच्छे से पोंछना है उसको। देखिए मेरा कढ़ाई जो है रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।